गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी हम कुछ सामान लेके आए हैं और आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा है, धूप बिल्कुल नहीं है। अभी जाके कुछ ब्रेकफास्ट बनाते हैं, ब्रेकफास्ट खाएंगे। अब आज संडे है, आज का तो वर्कआउट भी नहीं है, तो आज पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। वेब सीरीज़ देखेंगे, पढ़ाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बस। यहाँ पे एक टर्टल देखा था, एक तो अंधेरा था तो ठीक से दिख नहीं रहा था, पर इतना समझ में आ रहा था कि टर्टल था। हमने फ़ोन नहीं ले गए थे तो हमने उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया था। ही मौसम हो गया है, बारिश भी होने लगी है। बहुत तेज बारिश होने वाली लगता। अब इधर पे एक रिवर है, इसके उस तरफ अब उसका पानी दिख रहा है। जैसे इधर देखिए पानी दिख रहा है, वहाँ का पानी यहाँ पे आया है, रिवर उधर ये है। अब देखिएगा जैसे अगर तेज़ बारिश हो गई, तेज़ बारिश होने लगी तो ऊपर तक आ जाएगा। पिछले बार की बात कर रहे थे हम, जैसे हमने पहले भी कहा है, जैसे बारिश हो जाती थी तो यहाँ तक पानी आ जाता है। एक नंबर मौसम, मज़ा आ रहा। गर्मी से कुछ तो आनंद मिला। बहुत तेज बारिश होने लगी, पानी अंदर आ रहा है, बंद करो। गाइज, ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जब से बारिश हुई हो गई, रात के 9:30 हो गए। हमारी कैट मम्मी भी जाने कहाँ गई हैं, बच्चों को छोड़ के बारिश में जाने की लड़ चली गई। डिनर विनर हो गया है, अभी तो बस कैजुअली एग ट्राई किया था, खा लिया था, डिनर कर लिया है, अभी चलते हैं सोने के लिए। ओके, गुड नाइट गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हमने कुछ नया पढ़ा है तो सोचा कि वो चीज़ मैं आपको भी बता दूं कि जैसे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कितने हिसाब से सोना चाहिए है, और हम जैसे एज में होते हैं कितने हिसाब से हम लोग को सोना चाहिए, और जो जैसे कि 6 से 12 साल मतलब इन्फेंट्री हो गए, टोडलर्स हो गए, प्री स्कूल्स हो गए, इन लोगों को कितना टाइम तक कितने घंटे सोना चाहिए। तो जैसे कि पहले हो गए, जैसे कि जो न्यू बॉर्न बेबी हो गए, जो 0 से 3 महीने तक के होते हैं, उनको कम से कम 14 से 17 घंटे तक सोना चाहिए। फिर हो गए 4 से 12 महीने के बच्चे, उनको सोना चाहिए 14 से 16 घंटे तक उन्हें सोना चाहिए। फिर आ गए 1 से 2 साल तक के बच्चे, तो टोडलर्स कहते हैं उन्हें, उनको सोना चाहिए कम से कम 11 से 14 साल तक का उनको सोना चाहिए। फिर उसके बाद आ गए 6 से 12 साल तक के बच्चे, जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं, उनको कम से कम सोना चाहिए 9 से 12 घंटे तक को उनको सोना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं टीनेजर्स जैसे 18 से पहले 12 के बाद, ये तो आपको बताएं, तो उसमें कम से कम बच्चों को सोना चाहिए कम से कम 8 से 10 घंटे तक उनको सोना चाहिए। फिर बाद में 18+ हो गए, जो एडल्ट हो गए और सीनियर प्लस हो गए, ये जो सीनियर वाले होते हैं इनको कम से कम आप लोग को वही 7 से 9 घंटे तक इनके बीच में सोना चाहिए। अभी हम ग्राउंड में हैं, हम आज हमारी क्लास छूट गई है 4 बजे वाली, क्या था कि 3 बजे हम लेटे थे, वो वेब सीरीज़ देख रहे थे, तो बहुत तेज नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा, तो हमने कहा कि सो जा रहे हैं थोड़ा सा, अब ऑटोमेटिक आँख भी लग गई, तो सीधे उठे, सीधे 4:50 पे उठे, और फिर बाद में देखा क्लासेस छूट गई 4:05, अभी 5 बज रहे हैं,
अभी ग्राउंड में सोच रहा हूँ वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट हो गया है अभी बैठ बिल्कुल अभी अभी करके जस्ट आए, थोड़े स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग करते हैं, बहुत पसीना आ रहा है। टू द रूम अभी जाते हैं, एग बॉयल कर ले, साथ ही साथ सोच रहे अभी खाना भी बना ले ताकि रात में फिर रौनझन ना हो कि अरे कि खाना वाना बनाना पड़ेगा ये सब। तो गाइस डिनर विनर हो गया है, कल हमारा वेट ट्रेनिंग है, सुबह जल्दी उठना भी है, सुबह जिम भी जाना है। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट व्लॉग पे। गुड नाइट गाइस, बाय।